हेलो एवरीवन, तो मेरा आज का जो रिव्यू है वो है पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, क्या आप जानते हैं मेकअप बेस क्या होता है? मेकअप बेस यानी कि मेकअप करने से पहले जो सबसे पहले अप्लाई किया जाता है उसे मेकअप बेस कहते हैं। तो मैं सबसे अच्छा आपसे इल्यूमिनेटर बात करने वाली हूँ। आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, मेकअप बेस की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हाईलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं, इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो में जंप करते हैं और इस अच्छे से इल्यूमिनेटर के बारे में बात करते हैं। ये सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है और जो इसका वर्क है ना वो बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है, रोज गोल्ड का कलर का बॉक्स है, ऊपर लिखा हुआ है पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस और जो मेरा शेड है वो है 01 यानी कि गोल्डन पिंक। इसमें दो शेड आते हैं, एक 02 और एक 01। तो मैंने जो चूज किया है वो 01 है और जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है ना, आई एम लव विद दिस, मतलब मुझे तो इससे लव हो गया है। ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है, मैं जब भी मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ ना तो सबसे पहले मैं इसको अपने बेस में मिलाती हूँ। मैं कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं एज अ प्राइमर, जिससे आपकी स्किन जो है वो हाईलाइट करने लगती है, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस तरह से यूज नहीं करती हूँ। मैं इसको किस तरह से यूज करती हूँ, इसको मैंने लिया थोड़ा बैक ऑफ हैंड पे, मैंने इसको ले लिया और मैं लेती हूँ इसमें अपना फाउंडेशन, जो कि मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करती हूँ। तो ये जो इसका डुई सा फिनिश आता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर विंटर्स में आप इसको यूज करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप नॉर्मल फाउंडेशन लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत क्रैकी हो जाती है, पैची हो जाती है, लाइंस बन जाती हैं। तो इसको मिक्स करने पे आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ अभी विंटर नहीं है, विंटर्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं विंटर्स के लिए तो आप 100% इसको परचेज कर सकते हैं, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मिलता है कुछ इस तरह सा ट्यूब जो कि बहुत ही अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि जो ट्यूब पैकेजिंग होती है उसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं, अपने क्लच में रख सकते हैं, अपने मेकअप किट में कहीं भी रख करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके आपको प्राइस की बता देती हूँ, प्राइस कितना है इसका। जो प्राइस है वो है 249 रुपीज, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था और ये मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिला था, तो आई थिंक ये 300 में मुझे दो मिले थे। तो ये काफी अच्छा डील चलता रहता है अमेजोन पे, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छे ऑफर्स उसमें रहते हैं। और जो नेट वॉल्यूम है वो 35 ग्राम है, तो काफी अच्छा है। और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 4 इयर्स की, मतलब ये बना हुआ है 2020 में और 24 तक चलने वाला है, अभी 21 है, तो अभी मुझे 3 साल पूरा बराबर इसको मैं यूज कर सकती हूँ। और मैं तो इसको यूज करती हूँ, ये 3 साल क्या है तो खत्म हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जो इल्यूमिनेटर है इसको आप जब यूज करते हैं ना तो आपकी स्किन जो है वो डुई सी लगती है, स्पार्कलिंग लगती है। और अगर आप इसको नाइट में यूज करना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको डे टाइम में कहीं लगा के जाना चाहते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स आपके फेस पे नहीं देता है। अच्छा, तो इसको आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना मेकअप बेस कर लिए हैं और उसके बाद अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज करें तो ये लिक्विड हाइलाइटर का भी काम करता है। आप देखिए इंस्टेंट आपको ग्लो पता चलेगा, कि देखिए मैंने अभी तक कोई हाइलाइटर नहीं लगाया था, अब आप इधर और इधर कंपेयर कर सकते हैं, इधर आपको एक नेचुरल ग्लो दिख रहा होगा। देखिए ये देखिए हल्का सा एकदम मैंने लगाया है, ज्यादा नहीं लगाया है। चलिए मैं इधर भी आपको लगा के दिखा देती हूँ, और ये एकदम हैंड से हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। तो इसको आप मल्टीपर्पज यूज की तरह यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहिए, खुश रहिए।